शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता अरोड़ा। आपको आज की बड़ी खबर के बारे में बता दें कि शहरी निकायों में अब नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के मेयर का चुनाव मतदान के जरिए होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। मेयर या अध्यक्ष के चुनावों में पार्षदों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इससे अध्यक्ष बनने वालों के लिए पार्षदों की खरीद फरोख्त भी बंद हो जाएगी। अब जनता अपनी पसंद का मेयर या अध्यक्ष भी चुन सकेगी। 2019 में नगर निगम के चुनाव डायरेक्ट हुए थे, लेकिन तब कानून में एक संशोधन करना रह गया था। अब तय किया गया है कि पहले से मेयर अध्यक्ष या पार्षद चुने गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां अपने राज्य के युवाओं को देने का फैसला लेने के बाद पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी का बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अगले साल पंचायती चुनाव हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं को दिए जाने वाले 50% आरक्षण का प्रारूप कैसा होगा, यह विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भाजपा और जजपा दोनों राजनीतिक दल चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक ने इस बार होने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 50% कर दी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही तमाम गतिविधियों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।